किला है। फिलहाल ये किला आपको मैं जी नमस्कार सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब दोस्तों। आज मैं आया हूँ पुराना किला घूमने, जो कि यमुना नदी के पास स्थित है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं पुराना किला का गेट। दोस्तों ये किला जो है सन 1540 से 1545 के बीच बना था शेरशाह सूरी के द्वारा, और ये किला के मुख्य तीन द्वार है। और अब मैं जा रहा हूँ किला के अंदर और आपको दिखाता हूँ किला के अंदर कैसा व्यू रहता है, और आपको ये भी बताऊँगा कि क्या यहाँ पे फैमिली के साथ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। क्योंकि दोस्तों पहले बहुत सारा वीडियो बन चुका है पुराना किला के निगेटिव के बारे में कि यहाँ पे कपल्स बहुत गंदे गंदे काम करते हैं, तो इसी वजह से मैं आपको यह भी कहूँगा कि क्या यहाँ पे फैमिली के साथ आना चाहिए या नहीं। और भाई ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये पार्ट टू है, अगर आप पार्ट वन नहीं देखे तो आप पहले जाके पार्ट वन देखिए, उसके बाद आप सभी को समझ आएगा पुराना किला के बारे में। और दोस्तों पार्ट वन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। और तो चलो अंदर चलते और आपको दिखाते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए, उसी के बाद आप सभी को समझ आएगा। और हमको सपोर्ट करें दोस्तों, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आपकी सपोर्ट चाहिए अभी, तो आप सपोर्ट कीजिए, उसके बाद और आपको ऐसे ऐसे ही ब्लॉग आपको फ्यूचर मिलते रहेंगे। तो चलो ये बोर्ड देखो, ये बोर्ड कर पुराना किला में खुदाई जो कि 1973 तक करवाया गया था, और सन 1954 से 55 में प्रयोग के तौर पर की गई खुदाई में स्लेटी रंग के चिरित्र मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े तथा सुंगा कुशन काल के अवशेष पाए गए थे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, और सूरज देखो, सूरज कितना ही शानदार लग रहा है भाई। वो देख रहे हो उधर, देखो वहाँ बंदे हैं कुछ, वहाँ पे अलाव है, वहाँ पे जाएंगे हम लोग अभी। और फिलहाल ये फूल का पेड़ देखो, वाह। और भाई ये देखो, इसी के बारे में बात कर रहा है, देखो बीच में कितना खूबसूरत लग रहा है दोस्तों, वाह वाह दोस्तों, वाह भाई गजब मैन, वाह। तो भाई आप ये देखो, ये भी एक दरवाजा है, वो तीनों दरवाजा में से टोटल यहाँ पे तीन दरवाजा है, और एक दरवाजा से हम लोग प्रवेश किए थे, और ये दूसरा दरवाजा है जो कि ये अभी खंडर बन चुका है, ये फिलहाल अभी टूटा फूटा पड़ा है। और अब आपके सामने है, देखो यार किस हाल में है अभी। और वैसे तो इसका भी बहुत ही ज्यादा साल हो गया, क्योंकि 1540-45 के बना हुआ है, तो ऐसा होना ही था। तो अंदर भी की गुफाएं हैं, तो चलो गुफाएं की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं। सीढ़ियां बहुत लंबी लंबी है यार, भाई इधर कुछ खास नहीं है, लेकिन ये वाला जो इधर है, इधर से रास्ता था जो कि पानी वानी पास होता था इधर से, और अभी फिलहाल बंद है। तो चलो अभी ऊपर चलते हैं। तो भाई आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक गड्ढा टाइप का है, और अंदर जो है फिलहाल ये बंद है अभी, और अंदर भी पूरा ही गुफा है, लेकिन इसको बंद कर दिया गया है, और उस साइड जाने के लिए रास्ता भी। और इस तरफ है दीवारें,
और आप ये देख सकते हैं। तो भाई अब आपको इस साइड से उधर का व्यू दिखाते हैं आखिर किस तरीके का है और कैसा है। मैं फिलहाल अभी एक गुफा के अंदर हूँ और आप ये देख सकते हैं, मैं बैक कैमरा से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। और दोस्तों ये देखो, ओ माय गॉड, मुझे भी डर लग रहा क्योंकि ये देखो मैं कितना दूरी पे हूँ यार, मैं बहुत दूरी पे हूँ। इधर देखो, ओ वाह वाह गाइस, व्यू एकदम औसम है दोस्तों। लेकिन नीचे कितना है दीवार, आप ये सोचो उस समय में इतना ऊंचा दीवार बनाया गया था, आप ये सोच के हैरान हो जाओ। उस समय में इतना ऊंचा दीवार बनाया गया था 1545 ईस्वी में, मैं तो सोच के ही हैरान हो रहा हूँ दोस्तों। तो भाई आपको वो वाला गुफा दिखा दिए, अब इधर कोई गुफा नहीं है तो उधर थोड़ा जंगल की तरफ चलते हैं और आपको थोड़ा दिखाते हैं। और ये देखो उसी जमाने का ये सब घर है। ओह और फिलहाल अभी यहाँ काम चल रहा तो यहाँ पे आदमी रहता है, इसी वजह से ये सब बर्तन बर्तन है। भाई अब थोड़ा इस दीवार में चढ़ने की कोशिश करते हैं, क्या हम लोग चढ़ पाते या नहीं। यार चढ़ू इसमें कैसे, भाई इसमें चढ़ते हैं अब, उसके बाद आपको उस साइड का भी व्यू दिखाते हैं कि किस तरीके का रहता है। कहाँ से नहीं इधर से चढ़ लूंगा। तो भाई आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस तरीके का व्यू है और अभी फिलहाल खंडहर हो चुका है क्योंकि आपको भी मालूम है कि 1545 ईस्वी का ये किला है तो ऐसा खंडहर तो होना ही था। और फिलहाल इधर कुछ नहीं है तो दूसरे साइड चलते और आपको वहां का व्यू दिखाते हैं किस तरीके का है। तो यहाँ कुछ भाई भी मिल चुके हैं, हाय बोल दो भाई। हाय बोल दे, हाय बोल दे तू भी। हाय भाई हाय। चलो ठीक है, चलो जी चलो। तो भाई इस साइड आप देख सकते हैं टिन मिल लगा के कुछ मकान बनाया हुआ है। तो फिलहाल अभी इस किले का काम चल रहा है, इसी वजह से उसी में मजदूर सब जो यही इसी में गुजारा करते हैं। और आपको इधर से दिखाते हैं और ये देखो, और ऊपर फिलहाल सीढ़ी भी है, ये देखो। इधर जो था उन लोग शायद मेरे ख्याल से, क्योंकि इस साइड ना ही कोई गेट है ना ही कुछ है, इधर से तो रास्ता भी नहीं है, बल इसमें मेरे ख्याल से शायद यहाँ पे उस साइड का निगरानी करने के लिए यहाँ पे। और आपको ऊपर लेकर चलते हैं, फिलहाल यहाँ पे स्टेयर्स भी है और चढ़ते हैं स्टेयर्स से।
वाह गाइस, वो देखो वो था, वो मस्जिद था उधर, घूम लिया वो भी घूम लिए। और फिलहाल ये देखो इधर है सूरज, और अब ये देखो इधर से, ओ यार उधर मोर है। हाँ अच्छा, ये जू है, अभी घूम के आए। आओ जल्दी आओ, जू है और ये भी है। तो भाई वो देखो मोर है, मोर के साथ साथ ये शायद से मेरे ख्याल से पता नहीं क्या है यार, ये बताओ कमेंट करके ये क्या है। जू से देख के आया हूँ, आया था अभी, लेकिन पता नहीं अब क्या है। तो भाई इधर एकदम मस्त छत बना हुआ है, वाव मोर देखो यार कितना मोर है, हैं? भाई यार व्यू देखो, व्यू वाव, मजे ही आ गया यहाँ पे आके, वाव गाइस ऑसम। भाई यहाँ की जो अगर टिकट की बात करें तो वो ऑनलाइन ऑनलाइन 20 रुपया है, और ऑफलाइन जो है उसका 25 रुपया है। तो टिकट जो है बहुत सस्ता है, लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिलता है, बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है, जो कि आप यहाँ आके आओगे तो लेकिन अकेले आना, मैं ये बात कह दे रहा हूँ भाई, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखा ही दिए यहाँ पे क्या माहौल है, और आपको पहले से भी पता था कि यहाँ पे क्या होता है। पुराना किला जो है आप या तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आओ या फिर अकेले आओ, बट फैमिली के साथ मत आना यहाँ पे, क्योंकि मैं सोच रहा था ऐसे थोड़ी ना होगा यार, मैं अपनी आँखों से देखा हूँ कसम से यार, मैं ऐसे झूठ थोड़ी ना बोलूँगा। और शायद से थोड़ी थोड़ी वीडियो में भी पता चल रहा होगा कि हाँ ये बात सच है। इस साइड का आप हाल देख सकते हो, किस तरीके का हाल है, बहुत खंडर हो चुका यार। ये अच्छा, मैं सोचा ये पानी कहाँ से ऊपर से गिरा यार, उधर टैंकी है शायद, वहां से लीक हो रहा होगा, मैं भी सोचा ऊपर से कैसे पानी आ रहा होगा, ये पानी है ना इसी के बारे में। तो दोस्तों अभी म्यूजियम चलते हैं और म्यूजियम में देखते हैं क्या है क्या नहीं है, पता नहीं म्यूजियम बंद होगा या फिर खुला होगा, म्यूजियम चलते वहां देखते आखिर क्या है नहीं है। मेरे ख्याल से तो टाइम हो गया, म्यूजियम बंद हो चुका होगा। और एक लड़के को पूछा, म्यूजियम में ज्यादा कुछ है भी नहीं, और इस साइड आप देख सकते हैं, वाह। तो भाई यार म्यूजियम हो चुका है बंद, आप देखो, वैसे म्यूजियम में ज्यादा कुछ नहीं था, यही है म्यूजियम, म्यूजियम में ज्यादा कुछ नहीं था। एक बंदा को पूछा मैंने, लोग बंद रहने तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, म्यूजियम में जब सामान रहता है तब ना, म्यूजियम में ज्यादा कुछ है ही नहीं। और एक इधर भी टनल है, गुफा है इधर भी, आप अंदर की तरफ देख सकते हैं। तो भाई आपको पूरा चीज आपको कवर कर दिए कि किस तरीके का है किस तरीके का नहीं है। और ये जो किला है, फिलहाल ये किला आपको, मैं आपको फिर से कह दे रहा हूँ कि इस किले में आप फैमिली के साथ मत आना, क्योंकि आप दो ये दोनों पीछे जो बंदा देख रहे अभी तुरंत किस की है। और भाई आपको फिर से कह दे रहा हूँ कि इस किले में आप फैमिली के साथ मत आना, अकेले आना चाहते हो तो अकेले आना, या गर्लफ्रेंड के साथ आना चाहते हो गर्लफ्रेंड के साथ आना, बट फैमिली के साथ मत आना।
और आपको इस ये ब्लॉग आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, एंड वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तो चलो, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।